फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर लूट करने आए लुटेरे गए धरे। राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले में स्थित नवीन शाहदरा में बीते कल यानी कि 3 जुलाई की शाम को करीब 6 बजे स्पेशल 26 मूवी की तर्ज पर एक कारोबारी के घर में रेड की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि काफी संख्या में नकदी मिली। लेकिन कारोबारी को जब रेड करने वालों पर शक हुआ तो उन्होंने उनकी पहचान पूछी, जिस पर वह छटपटा गए, कारोबारी के घर से निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन कारोबारी ने शोर मचा दिया और मौके से एक महिला सहित 4 लोग पकड़े गए। राजधानी दिल्ली के शाहदरा थाने की दीवार से लगे एक घर में कुछ अज्ञात लोगों ने अपने आप को एंटी करप्शन का बताकर कमल गुप्ता नामक मनी एक्सचेंजर कारोबारी के घर पर छापा मार दिया, जिसमें बताया जा रहा है करीब 17 से 18 लोग कारोबारी कमल गुप्ता के घर में जबरन घुस आए और उनके घर में रखे सामान को चेक करने लगे। बताया जा रहा है कि घर के अंदर से बड़ी संख्या में नकदी भी मिली है, लेकिन कारोबारी कमल गुप्ता को एंटी करप्शन से आए हुए अधिकारियों पर कुछ शक हुआ तो उन्होंने उनकी पहचान जानने की कोशिश की, जिस पर वह छटपटा गए और वहां से निकल भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन कारोबारी कमल गुप्ता ने शोर मचा दिया और जिसके बाद आसपास के पड़ोसी मौके पर पहुंच गए, जिसमें मौके पर एक महिला सहित 4 लोगों को पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस चारों से शाहदरा थाने के अंदर पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये लोग कौन थे और कहां से आए थे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि पंजाब नंबर की बुलेरो गाड़ी में ये लोग आए और दिखने में भी पंजाबी लग रहे हैं। हालांकि इस मामले में जिले के DCP आर साथिया सुंदरम अभी कुछ कहने से बच रहे हैं। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये लोग सच में कोई अधिकारी है या फिर फर्जी अधिकारी बनकर इस घर को अपना निशाना बनाने आए थे। फिलहाल कारोबारी थाना शाहदरा के अंदर मौजूद है और पुलिस तफ्तीश कर रही है। अभी मेरे घर के अंदर थोड़ी देर पहले तकरीबन 6 बजे करीबन 10-15 लोग जबरदस्ती घुस गए और एंटी करप्शन का नाम लेकर उन्होंने हमारे घर में प्रॉपर डाका डालने की कोशिश करी है। ये तो मेरी पत्नी की सहयोग से और मेरे पड़ोसियों के सहयोग की वजह से बचाव हो गया हमारा। मतलब थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, कुछ अभी हम देख रहे हैं क्या क्या नुकसान हुआ है हमारा। थोड़ा बहुत सामान ले गए हैं वो, बाकी पूरा प्रॉपर डाका डालने की कोशिश की गई है पूरा। और सब लोगों ने हमको अंदर ही बंद कर दिया, हमको ट्रैप कर दिया, हमारे फ़ोन छीन लिए हाथों से और हमको डराने और धमकाने का पूरा प्रयास किया गया। हाँ सर, पिछले 4 घंटे से आप उनसे इंटरोगेशन चल रहा है, तो क्या जानकारी मिल पाई है, कौन लोग हैं वो? पंजाब पुलिस से वो अपने आप को पंजाब एंटी करप्शन से बता रहे हैं, बाकी पुलिस अभी उनसे बातचीत कर रही है। हमें अभी उन्होंने पुलिस ने कुछ नहीं बताया वो लोग कौन है, वो किस तरह से वारदात, उनकी क्या इच्छा थी, उन्होंने कुछ नहीं, हमें पुलिस ने अभी कुछ नहीं बताया। हम जी बताइए, आपसे क्या मांग की गई सर? वो अमीर से कह रहे थे कि हम आपका निपटा देते हैं, आप हमें बताओ, मैं तुम्हारा निपटा देता हूँ। हमने कहा किस बारे में निपटाओगे ये तो बताओ, हमने परेशानी क्या है, गलती क्या है? उन्हें कह रहे तुम हम एंटी करप्शन से हम ये नहीं बताएंगे कि तुमने क्या क्राइम किया। मैंने कहा भैया जब तक क्राइम नहीं किया तुम निपटाओगे क्या? कोई आपको नोटिस दिया था उन लोगों ने? कोई नोटिस नहीं था, हमने सर्च वारंट मांगा उनसे कि आप बिना सर्च वारंट के आप अंदर नहीं घुस सकते। जो काफ़ी एजेज हैं, कैंसर की मरीज हैं और मेरे हमारे 4 बच्चे हैं घर में, वो मौजूद थे। सर बताया जा रहा है कोई स्पेशल 26 एक फिल्म है, उसको देखकर कुछ 18-20 लोग जो आपके घर में घुसे हैं, कुछ ऐसा ही सीन लग रहा था, कुछ ऐसे ही लग रहा था। इस तरह से घबराहट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, जैसे वो हमने कितना बड़ा क्राइम किया हो, हमें इस तरह से हरास करने की कोशिश की जा रही थी। कुछ लग रहा था कि वैसा ही सीन है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा, थाना शाहदरा है और आपका घर कितनी दूरी पे है, किस तरह? हमारा दीवार हमारे थाने के बिल्कुल बगल में है, दीवार थाने की दीवार और हमारी दीवार मैच करती है। क्या कहना चाहते हैं सर पुलिस प्रशासन से, इस तरीके से दिन दहाड़े आपके साथ ये जिस तरह से ये दिन दहाड़े हुआ है, हमें तो लग रहा है कि हमारे यहाँ इलाके में और अलर्टनेस की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। हमारे आसपास सिक्योरिटी आसपास होनी चाहिए और ज़्यादा, क्योंकि अगर कोई भी जो गैर हाजिर व्यक्ति, कोई भी अनजान व्यक्ति अगर इस तरह से खड़ा है या कोई आता है तो उससे पूछताछ होनी चाहिए कि वो क्यों आया और किस लिए क्या कर रहा है वहाँ पे। हाँ जी, कारोबार बताइए, तो कारोबार मेरा कारोबार इंडियन मनी एक्सचेंजर का, करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस है मेरा। और ये इस तरह से पेश आ रहे थे, वो पेश आ रहे थे कि हमने कुछ क्राइम किया है जैसे। सर नाम बताइए। मेरा नाम कमल शर्मा है। कमल शर्मा जी क्या कहना चाहते हैं? कुल मिला के दिल्ली पुलिस नाकाम हो रही है। नवीन शाहदरा के अंदर थाने के पीछे बिल्कुल दीवार लगती हुई, जहाँ पे आज डकैती डालने की कोशिश की गई, जिसमें 17 से 18 लोग एक घर में घुस गए और पब्लिक के पकड़ने पर उसमें 7-8 लोग भग गए, सिर्फ 4 लोग पकड़ गए, वो भी पब्लिक की मदद से, ना कि पुलिस की मदद से। पुलिस वहाँ पर नाकाम, पुलिस बाद में पहुँची, जब पहुंची तो 4 लोगों को गिरफ्तार करके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। 4 घंटे से ऊपर यहाँ पे थाने के अंदर लोग खड़े हो गए। अच्छा सर, क्या जानकारी मिली थी, कौन लोग थे और क्या करने? जानकारी हमें कुछ नहीं पता जी, हमें तो ये पता लगा कि एंटी करप्शन के लोग बता रहे थे कि हम यहाँ पे आप गए छापा डालने आए हैं। सर बता रहे पंजाब से ये लोग, पंजाब की गाड़ी नंबर है, पंजाब के लोग थे, जो एड्रेस वहाँ लिखवा रहे हैं अंदर लोग, पंजाब के लोग हैं।
कितने बजे की घटना? ये शाम की 6 बजे की घटना है सर। क्या इनके पास कैसे आपको शक हुआ? और हमें नहीं पता सर, वो बताएंगे जिनके साथ वारदात हुई है। ठीक है, हमें जो सूत्रों के अनुसार पता लगा हम वो बता रहे हैं आपको। रिलेटिव नहीं जी, मैं पड़ोसी हूँ, मैं नवीन शाह में रहता, मैं सोशल वर्कर हूँ। सर क्या ये लाला जी है, क्या कारोबार है इनका? कारोबार है अपना करेंसी का कारोबार है इनका, मनी एक्सचेंज का। ठीक, हाँ जी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।